सर, आपके सेशंस देखने के बाद जो है माइंड सेट हो गया है कि अब करना क्या, क्योंकि अभी तक जो मैं कर रहा था वो कुछ और ही कर रहा था। मतलब MCA किया हुआ है मैंने, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इसी साल पास आउट हूँ, और करना मैं एक्टिंग चाहता था, और अब सेल्स में आ गया हूँ। तो मेरा अब माइंड सेट है कि मतलब सेल्स में ही जाना है, और एक्टिंग में जो है अपनी खुशी के लिए मैं शाम को भी कर सकता हूँ, और जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तो ऑडिशंस देता रहता हूँ। लेट्स गिव बिग हैंड फॉर अभी। कुछ एक्टिव एक्टिंग करके दिखाना चाहोगे? कर देंगे करो। रणबीर कपूर का मोनोलॉग है, फिर क्या हुआ, होना क्या है, वही कहानी फिर एक बार, मजनू ने लिए कपड़े फाड़, मार तमाशा बीच बाजार। रुक के सोचा, ऐसा क्यों, ऐसा वैसा जैसा तैसा पैसा, पैसा पैसा ना होता तो फिर कैसा होता, सोचो। अरे सोचो भाई, खैर छोड़ो बोरिंग बातें सारी, मस्त रहो, जम के खाओ, ले लो पंगे, चढ़ लो सूली, फाड़ दो कपड़े, खोल दो बल्लड़, खोल दो लस्सी, बोल दो किस्सा, अरे सभी जनों का दिल बहलाओ, शोर मचाओ, मारो ठुमका, फेंक बिखेरो मन की चांदी, दिल का सोना, आंख की मोती, सब अर्पित है आपकी खातिर। मैं नौकर हूं आपका मालिक, टाई पहन कर लिफ्ट में चढ़कर फिर आऊंगा आपके आंगन, और वही करूंगा जो रोज किया है, वो फिर से करूंगा। क्या हो रहा है ये फटोने का क्या सेटिंग है भाई। बहुत अच्छा किया आपने जो किया, मतलब लेकिन अजय से क्या मतलब तो मैं ना चाह रहा हूँ डायलॉग के समय उनके सामने आई कॉन्टेक्ट हो गया तो मालिक वही करूंगा जो रोज किया। क्या करवा रहे हो, क्या हो रहा है ये सर। अजय एक्सीलेंट यार, प्लीज सर, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आपको देख के मुझे अपने दिन याद आ गए हैं। मैं भी ऐसे बड़ा लाइनों में खड़ा हुआ, बड़े ऑडिशन दिए हैं मैं तो, लेकिन लाइनें भूल जाता था, आपको सारी याद रह गई। 7-8 प्लेस किए हुए हैं और करता रहता हूँ। वो लग रहा था आपकी आवाज़ से, लग रहा था, बिकॉज देर इज दिस दैट क्लैरिटी इन योर वॉइस। और ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ ऑडिशन ही दो या फिर प्लेस करो, आजकल तो भाई ऑनलाइन इतना बड़ा मीडियम है, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो इसको, जैसे अभी आपने बोला, तो इसको रिकॉर्ड करके अपलोड करने में क्या देर लगती है? उसके लिए अब थोड़ा अकेले में टाइम चाहिए, तब जाके वो होता है बेटर, क्योंकि अभी मैं कहते हैं अपने मामा जी के साथ रह रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा अकेले, अभी दिसंबर या जनवरी में मैं चेंज करूँगा जगह, तो फिर अकेले मैं बस इतना ही कहूँगा। देखो क्या होता है, ये ना, ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी भी है, हम सबकी प्रॉब्लम है। हम क्या करते हैं, चीज़ों को पोस्टपोन करते रहते हैं, आप समझ गए ना, मतलब अपने इस माइंड को समझना, ये माइंड का गेम है कि अभी नहीं, तब, तब नहीं, तब, तब नहीं, तब, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें ना आगे बढ़ती चली जाती हैं। ऑल आई कैन से इज़ कि अंदर से अगर कुछ आ रहा है ना करने के लिए, एंड इफ़ यू हैव दैट थिंग जो मेरे को नज़र आ रहा है आपके अंदर, तो उसको कर दो, अभी के अभी कर दो, कल पे भी मत डालो। वो काम जो 2 महीने बाद हो सकता है वो अभी भी हो सकता है। वहाँ पे दिक्कत है तो कोई दोस्त का घर होगा, चलो घर नहीं है तो कहीं बाहर कर दो, सड़कों पर कर दो, मतलब कुछ भी करना है ना, तो अंदर से अगर आ रहा है तो नेवर पोस्टपोन इट, नहीं तो वो कुछ मूवमेंट्स होते हैं वो निकल जाते हैं ना, तो वो गायब हो जाता है। सर करता मैं रोज हूँ एक्टिंग, रात को 12 से 1 बजे के बीच में ये करता हूँ। अच्छा, फिर मतलब एक्टिंग तो रोज ही करता हूँ, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करते। रिकॉर्डिंग नहीं, खुद रिकॉर्डिंग करो, खुद देखो, तब आपको पता लगेगा कि क्या मैं सही कर रहा हूँ क्या गलत कर रहा हूँ। उसको थोड़ा बहुत अपलोड भी कर दो, जरूरी नहीं है वहाँ पे व्यूज होंगे, लेकिन थोड़े बहुत लोग भी आए तो आपको पता लगेगा क्या रिएक्शन आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, समझ गए। एंड यू नेवर नो कि कब क्या हो जाए, जब तक सोच रहे होते हैं ना तब तक कुछ आइडियाज नहीं आते हैं माइंड में, बट वंस यू स्टार्ट डूइंग समथिंग तब चीज़ें चेंज होने लग जाती हैं। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, कि अगर अंदर से कुछ आ रहा है तो कभी भी पोस्टपोन मत करो, कर बड़ा, हाँ कर दो ना, और कल के बारे में सोचो ही मत, देर इज नो टुमारो एक्चुअली। ये माइंड की ट्रिक्स होती है कि कल आएगा, कल कुछ नहीं आएगा, कल आपको पता ही नहीं क्या होने वाला है, कल हो सकता है जहाँ पे अभी जॉब कर रहे हो वहाँ से रिलेटेड और कुछ हो जाए, कोई प्रेशर आ जाए, होता रहता है कुछ ना कुछ, राइट। कल यू नेवर नो कि कल क्या होने वाला है, आज का वी आर सर्टेन कि आज आप यहाँ से जा रहे हो ना, करो रिकॉर्ड, करो अपलोड, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वो तो अभी भी कुछ नहीं हो रहा है तो क्या फर्क पड़ता है। और शायद कुछ हो जाए, शायद एक्शन लेने से कुछ हो ही जाए, हु नोज़।